इंडियन सिनेमा लवर्स के लिए भाई लॉटरी लगने वाली है और बहुत कुछ बदलाव आपको दिखने वाले हैं। और ये बदलाव हो क्यों रहे हैं, इसका बहुत बड़ा रीजन है मिस्टर एसएस राजामौली। भाई उनकी एक पहल, उनकी जो बाहुबली ने कमाल कर दिखाया, आई डोंट थिंक सो, उसके बिना हम सोच भी नहीं सकते थे कि यार इतने सारे कोलैबोरेशन हो सकते हैं। इवन अक्षय कुमार ने अपने रिसेंट इंटरव्यू में कहा है कि यार वो अल्लू अर्जुन के साथ काम करना चाहते हैं। मैं अल्लू अर्जुन एक फिल्म साथ में करें। और ये क्यों हो रहा है, अब जितने भी इंटरव्यूज हो रहे हैं, कहीं भी अवार्ड शो में जा रहे हैं या फैंस के साथ रुके पड़े हैं, हर किसी के जुबान पर एक ही सवाल है, सर साउथ का सिनेमा आगे चल रहा है, सर साउथ का सिनेमा आगे चल रहा है, सर क्या कर रहे हो, सर स्टोरीज, सर एक्शन, सर डायरेक्शन। तो वहां पर अब उनके पास एक ही बचा है जवाब कि भैया दिस इज अ कंप्लीट सिनेमा, ये हमारा इंडियन सिनेमा है, ये नॉर्थ क्या होता है, साउथ क्या होता है, हम इस बातों में नहीं मानते। देखिए अच्छी बात है, पूरा कंप्लीट इंडियन सिनेमा होना चाहिए, मैं भी इस बात से अग्री करता हूँ कि हाँ जब यार हिंदुस्तान एक है तो सिनेमा भी एक होना चाहिए। और आप लोग भी इस बात को अग्री नहीं करते तो क्यों आज से पहले आपने वहाँ फिल्में नहीं करी। बहुत सारे ऐसे एक्टर हैं जिनको इंडस्ट्री में काम करते करते 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, क्यों अब आप कह रहे हो कि आई वॉन्ट टू कोलैब। भाई मान लिया यू पीपल आर ग्रेट, एक ही इंडियन सिनेमा है एंड यू रिस्पेक्ट देम अलोट, तो कहाँ थे भाई 10-15-20 साल से जब ये लोग जी तोड़ मेहनत करके आगे आ रहे थे, और तब तो आप बस इनके साथ इनकी मूवीज उठा लेते थे, रीमेक बना लेते थे, दिखा लेते थे। भैया ऐसे नहीं होता। नाउ आई एम वेरी हैप्पी कि जो वर्थ है उन लोगों की उनको मिल रही है। नाउ आप कोई रियलिटी शो उठा लीजिए, इवन कपिल शर्मा सबसे बड़ा रियलिटी शो है, वहां पे ऑलमोस्ट हर एक शो में या दूसरे शो में अल्लू अर्जुन का जिक्र हो जाता है। झुकेगा नहीं साला, उनसे रिलेटेड जोक्स हो जाते हैं, राजामौली से रिलेटेड जोक्स हो जाते हैं, रामचरण से रिलेटेड जोक्स हो जाते हैं, और झुकेगा नहीं तो यार हर एक एपिसोड में होता ही होता है। उनको वर्थ पता चल रहा है, हिंदुस्तान क्या देखना चाह रहा है वो पता चल रहा है। एंड सून आपको बहुत सारे ऐसे कोलैब्स देखने को मिल सकते हैं जहां एक ही स्क्रीन पर अक्षय कुमार हो, अल्लू अर्जुन हो, एक ही स्क्रीन पर शाहरुख खान हो, महेश बाबू हो, कोई बड़ी बात नहीं है। और भाई ये सारी चीज़ें ना मेहनत करके वसूली इन लोगों ने, दिस इज़ नॉट लाइक दैट कि बस नेपोटिज्म है तो ये सारा हो रहा है। आई नो साउथ के सारे ऐसे जितने सुपरस्टार्स हैं उनके पापा ऑलरेडी सुपरस्टार हैं या फिर बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं, लेकिन जो इस मुकाम पर ये लोग आए हैं दिस इज ऑल मेहनत और देयर हम्बलनेस। बाकी आप कमेंट करके बताएं कि आप किस पेयर को देखना चाहते हैं एक साथ बॉलीवुड से, या जो हम साउथ इंडियन सिनेमा की बात कर रहे हैं कि कौन दो एक्टर हैं, तीन एक्टर हैं जो आपको एक ही फ्रेम में देखना आपको बड़ा मज़ेदार लगेगा कि भाई ये एक साथ आए तो मज़ा आ जाए देखने में। बाकी मिलता हूँ बहुत जल्द नई न्यूज़ नई अपडेट्स के साथ, तब तक आप सभी को अलविदा।